हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द काचान एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड हियर इज द लेक्चर वन और द वीडियो वन। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास बात है इस पर्टिकुलर लेक्चर में। स्टार्टिंग विद द सरफेस केमिस्ट्री, व्हाट एग्जैक्टली सरफेस केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट। तो स्टूडेंट, सरफेस केमिस्ट्री का मतलब जरूर कुछ ऐसा फैक्टर जो सरफेस पे हो रहा होगा, यानी फिनोमिना, ऐसी फिनोमिना जो सरफेस से रिलेटेड होगी। दैट पर्टिकुलर फिनोमिना विल बी स्टडीड अंडर द हेडिंग ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमिना अकरिंग एट द सरफेस और द इंटरफेस। तो सरफेस पे या फिर इंटरफेस पे जो भी मॉलिक्यूलर फिनोमिना या जो भी फिजिकल फिनोमिना या जो भी केमिकल फिनोमिना ऑब्जर्व होगी, दैट विल बी स्टडीड अंडर द हेडिंग ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री में पहला फिनोमिना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, द फर्स्ट फिनोमिना इज एडसॉर्प्शन। ध्यान से देखिएगा, यहां पर एडी एड लिखा है, एब नहीं लिखा है। तो एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। क्या है खास बात? The phenomena of attracting and retaining. Okay. Molecule को surface पे retain भी रखना है। The molecule phenomena यहाँ पर check करेंगे, ऐसी phenomena of attracting and retaining the molecules on the surface of a liquid or a solid resulting into higher concentration of molecules on the surface than the bulk is called the adsorption. यानी adsorption एक ऐसी phenomena होगी जहां पे surface पे concentration will be greater than that in bulk. Simple example, आप चौक लीजिए, चौक को इंक में डिप करिए। सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपने सुना भी होगा, चौक को इंक में डिप करिए और चौक को बीच से ब्रेक करिए, तो क्या इंक चौक के अंदर तक जाती है? नहीं, इंक जो होती है वो सिर्फ चौक के ऊपर भी एक लेयर बना रही होती है, अंदर तक नहीं जाती। इसका मतलब इंक का चौक के सरफेस पे जो रिटेंशन है, That is only surface phenomena. Chalk ink के साथ जो relation बना रहा है, या ऐसा कह सकते हो कि ink का chalk के ऊपर एक layer बन रही है, that is only the surface phenomena. Ink कभी chalk के अंदर तक जाके bulk phenomena show नहीं कर रहा होता है। तो simple सी बात, हम ये कह सकते हैं ink is adsorbed on the chalk surface, क्योंकि ink का अगर concentration check करें चौक के सरफेस पे, तो वो सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द बल्क। तो ऐसी फिनोमिना जिसमें कंसंट्रेशन एट द सरफेस बल्क से ज्यादा होता है, दैट इज सेड टू बी द फिनोमिना ऑफ एड्सॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट, द सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच द एड्सॉर्प्शन अकर्स इज कॉल्ड द एड्सॉर्बेंट। जैसे चौक और इंक में चौक के सरफेस पर इंक एड्सॉर्ब हो रही है, तो जिसके सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होगा उसको बोलेंगे आप एड्सॉर्बेंट। यानी एड्सॉर्बेंट प्रोवाइड्स द सरफेस जिस पर मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो रहे हैं, जिस पर मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं, दैट पर्टिकुलर सरफेस विल बी सेड टू बी एड्सॉर्बेंट। एंड द मॉलिक्यूलर स्पीशीज दैट गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड सरफेस ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आर कॉल्ड द एड्सॉर्बेट। और जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस पे जो एड्सॉर्ब होते हैं उनको बोलोगे एड्सॉर्बेट। तो एक छोटा सा एग्जांपल, इंक और चौक के केस में चौक विल बी द एड्सॉर्बेंट और इंक चौक के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रही है, तो उसे आप सिंपली कह सकते हो एड्सॉर्बेट। तो बहुत क्लियरली पता चल गया होगा कि एड्सॉर्बेट क्या होता है, एड्सॉर्बेंट क्या होता है। और कोई एग्जांपल? यस सर, बिल्कुल। आपने देखा होगा कि आप नई वाटर बॉटल लेते हैं, नई जो बॉटल्स होते हैं, यूटेंसिल्स होती हैं, शूज होते हैं, उनमें एक पैकेट पड़ा होता है, दैट इज अ सिलिका जेल। तो सिलिका जेल जो पैकेट पड़ा होता है 10% सोडियम सिलिकेट का इन HCl, तो वो सिलिका जेल इज एक्टिंग एज अ एड्सॉर्बेंट। तो जितनी भी ओडर वाली गैसेस हैं, ओडर है, फॉल स्मेल है और मॉइस्चर है, इन सारी चीजों को एड्सॉर्ब करता है। तो जो मॉइस्चर है या जो आप कह सकते हो कि जो फॉल स्मेल है, वो सब होंगे एड्सॉर्बेट। और जिसके सरफेस पर एड्सॉर्ब होगा, यानी सिलिका जेल विल बी सेड टू बी एड्सॉर्बेंट। तो एड्सॉर्बेट समझ में आया, जो एड्सॉर्ब होता है, और एड्सॉर्बेंट वो होता है जिसके सरफेस पर एड्सॉर्ब होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, बहुत डिटेल में बताने के बाद, द कॉमन सरफेस बिटवीन द टू फेजेस वेयर द एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल कंसंट्रेट इज कॉल्ड द इंटर सरफेस। यानी चौक और इंक के लिए
जो कॉमन सरफेस होता है जहां पर इंक और चौक का कॉन्टैक्ट आता है, दैट इज सेड टू बी इंटरफेस। तो एग्जैक्टली चैप्टर का नाम इंटरफेस केमिस्ट्री होना चाहिए। बहुत डिटेल की बात है, लेकिन अभी बोर्ड पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो वी विल बी डिस्कसिंग विद द सरफेस केमिस्ट्री। द रिवर्स फिनोमिना ऑफ रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सर्फेस इज कॉल्ड एज डीसॉर्प्शन। डी का मतलब ही होता है रिमूवल, डी का मतलब होता है रिमूवल। तो अगर एड्सॉर्बेंट को एड्सॉर्बेंट से हटाना है, जो एड्सॉर्ब हुआ है उसको हटाना है फ्रॉम द एड्सॉर्बेंट सर्फेस, द प्रोसेस इज सेड टू बी डीसॉर्प्शन। तो डीसॉर्प्शन इज अ प्रोसेस जिसमें आप ये कह सकते हो कि एड्सॉर्ब्ड कंटेंट को सर्फेस से आप डिटैच करोगे, रिमूव करोगे, दैट इज सेड टू बी डीसॉर्प्शन। ओके, सो मूविंग ऑन टू द मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। आखिर एड्सॉर्प्शन होता कैसे है? तो एड्सॉर्प्शन अराइजेस एट द सर्फेस ऑफ सॉलिड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस एट द सर्फेस। ध्यान से देखिएगा, होता क्या है कि सर्फेस पे अगर बात करें तो फ्री वैलेंसीज होती हैं। फ्री वैलेंसीज की वजह से यहाँ पर ये साइट एक्टिव होती हैं। जो सरफेस ऑफ सॉलिड होता है वहां पर वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो सकता है या फिर बैलेंस फोर्सेस नहीं होती है। इसकी वजह से इन साइट्स को हम लोग कहते हैं एक्टिव साइट्स, और यही एक्टिव साइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एड्सॉर्प्शन। इनको बोलते हैं एक्टिव साइट्स, एंड दीज एक्टिव साइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एड्सॉर्प्शन। तो ध्यान से देखिए, एड्सॉर्प्शन अकर्स एट द सर्फेस ऑफ सॉलिड एट द रिजल्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस। यही अनबैलेंस फोर्सेस होती हैं। ये फोर्सेस कैसे आती हैं? द फोर्सेस डेवलप आइदर ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन और बाय द वर्च्यू ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल। और इन्हीं अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से एक रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होता है जो मॉलिक्यूल को सर्फेस पर रिटेन रखता है, पकड़ के रखता है। यानी ऐसे में अगर मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल आया तो वो मॉलिक्यूल इस सरफेस पर इन फोर्सेस से बाइंड हो जाता है, और बाइंड होने की वजह से ये मॉलिक्यूल सरफेस पर स्टिक कर जाते हैं, रिटेन रह जाते हैं। आगे मूव करते हैं। द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज सेड टू बी ऑक्लूशन। ऑक्लूशन इज द स्पेशल टर्म, ऑक्लूशन इज द स्पेशल टर्म जिसमें एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस होगा ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ऑक्लूशन का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि एड और एब। सर ये एब्सॉर्प्शन क्या होता है? तो बेटा अब तक आपने एड्सॉर्प्शन पढ़ा जिसमें बल्क फिनोमिना कम और सरफेस फिनोमिना ज्यादा था, लेकिन अब आप एब्सॉर्प्शन पढ़ोगे। एब्सॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस जहां आप कहोगे कि बल्क फिनोमिना इज मोर देन सरफेस फिनोमिना। ओके, बल्क फिनोमिना इज मोर देन द सरफेस फिनोमिना। यानी आप ये कह सकते हो कि एड में, एड्सॉर्प्शन में सरफेस ज्यादा बल्क कम, और एब में बल्क ज्यादा सरफेस कम। कभी कभी ऐसा होता कि दोनों के प्रोसेस साइमल्टेनियसली होल्ड कर रहे होते हैं, साइड बाय साइड अकर करेंगे, इसलिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए। देयरफॉर वी यूज अ जनरल टर्म ऑफ सॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन की ओवरऑल हेडिंग में दोनों को पढ़ा जाता है, यानी वी हैव अ जनरल टर्म सॉर्प्शन। ठीक है, सॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस जहां एड्सॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन दोनों होंगे। अब सॉर्प्शन की एक ब्रांच एड्सॉर्प्शन वाली, एक ब्रांच एब वाली। एड में क्या होगा? एड में सरफेस कंसंट्रेशन बल्क से ज्यादा। एब में क्या होगा? एब में बल्क फिनोमिना सरफेस से ज्यादा। यानी यहां पर अगर आप एड्सॉर्प्शन को देखते हो तो आप यह कहोगे कि यहां पर सरफेस पे मॉलिक्यूल ज्यादा है। ओके, ये रहा, सरफेस पे मॉलिक्यूल ज्यादा है। और एब में क्या होगा? एब में आप ये कहोगे बल्क में मॉलिक्यूल्स, अंदर मॉलिक्यूल्स, बल्क में मॉलिक्यूल ज्यादा हैं और सरफेस पे मॉलिक्यूल्स कम हैं। ओके, दिस इज द फिनोमिना। अगर बल्क में फिनोमिना, बल्क में मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, दैट विल बी एब्सॉर्प्शन। इसको आप कहोगे एब। और अगर सरफेस पे फिनोमिना ज्यादा होगा तो दैट फिनोमिना इज सेड टू बी एड। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एड्सॉर्प्शन एंड द एब्सॉर्प्शन। चलिए मूव करते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पे। क्या देखना है? पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। क्या है पॉजिटिव, क्या है नेगेटिव?
आसान सा पार्ट है. When the concentration of the adsorbate is more on the surface than in the bulk, it is called the positive adsorption. यानी bulk से ज़्यादा surface पे, तो positive. और simple सी बात है, if the concentration of the adsorbate increases in the bulk after adsorption, it is called the negative adsorption. वहाँ adsorption का nature negative है. यानी adsorption तो basically surface phenomena होता है ना, तो अगर surface पे retention bulk से ज़्यादा positive adsorption, और अगर surface पे कम होने लगे bulk में ज़्यादा होने लगे, it's a case of negative adsorption. चलिए move करते हैं आगे. Okay, next part पे. What are the characteristic of adsorption? पहला पार्ट, इट इज स्पेसिफिक एंड सेलेक्टिव इन नेचर. ओके, हाईली स्पेसिफिक होता है, हाईली सेलेक्टिव होता है. एड्सॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी अपने आप एड्सॉर्प्शन होता है. और अपने आप के लिए डेल्टा जी को नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी को पता है वी हैव अ गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन. इसे बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, जिसके हिसाब से डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ठीक है, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा. जब तक डेल्टा जी नेगेटिव होगा तब तक एड्सॉर्प्शन अकर करता रहेगा. एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी. यानी जब कभी एड्सॉर्प्शन होगा, मॉलिक्यूल सरफेस पे बाइंड हो रहे होंगे, एनर्जी रिलीज हो रही होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ध्यान रखिएगा. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, द एंट्रोपी. एंट्रोपी बेटा क्या होता है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस. अब एड्सॉर्प्शन के पहले गैस के मॉलिक्यूल्स भाग रहे थे दाएं बाएं, अब एड्सॉर्प्शन के बाद तो मॉलिक्यूल्स बंद गए, मतलब भागने की टेंडेंसी या रैंडमनेस जो था वो कम हो गया. कम होने का मतलब फाइनल एंट्रोपी इनिशियल से कम होगी और डेल्टा एस हमेशा नेगेटिव रहेगा. आइए देखिए, डेल्टा एस इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ द एडरिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स टू द सर्फेस विच लोअर द रैंडमनेस. यानी पहले मॉलिक्यूल्स बहुत रैंडम थे, लेकिन जैसे वो बंद गए, उनका घूमना टहलना इनका कम हो गया, रैंडमनेस कम हो गई, तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा. आगे देखिए, जब तक डेल्टा जी नेगेटिव तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही डेल्टा जी जीरो हो गया हम लोग कहेंगे एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और इस केस पे हम लोग कहते हैं कि यहां पर अब एड्सॉर्प्शन स्टॉप होगा. तो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन को डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन वन मोल ऑफ अ एड्सॉर्बेट इज एड्सॉर्ब्ड ऑन द सर्फेस, एंड दिस इज सेड टू बी एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन. यानी वन मोल एड्सॉर्बेट के एड्सॉर्प्शन में जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी उसी को एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन कहते हैं. ये जो वैल्यू होती है ये किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल के टर्म में भी एक्सप्रेस की जा सकती है. आइए देखते हैं आगे पार्ट. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन. बहुत आसान सा डिस्क्रिप्शन है, चैप्टर ही काफ़ी आसान है, और थ्योरेटिकल चैप्टर अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम रिवाइज करने में लगेगा नहीं. फिजिकल एड्सॉर्प्शन और फीसोसॉर्प्शन और वैंडरवॉल, यानी फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोलिए या फीसोसॉर्प्शन बोलिए या वैंडरवॉल एड्सॉर्प्शन बोलिए, सारी बातें एक ही हैं. यहाँ एक ऐसा प्रोसेस होगा इन विच द पार्टिकल्स आर हेल्ड टू द सर्फेस बाय मीन्स ऑफ वीक फिजिकल फोर्सेस या वैंडरवॉल फोर्स, और इसी को बोलते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन. तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में सरफेस के साथ मॉलिक्यूल्स का जो एड्सॉर्प्शन होगा वो होगा वाया वीक फिजिकल बॉन्ड. वीक फिजिकल बॉन्ड की वजह से ही हम लोग कह सकते हैं कि फीसोसॉर्प्शन रिलेटिवली वीकर होता है एंड इट इज रिवर्सिबल इन नेचर. तो फीसोसॉर्प्शन इज कैसा इन नेचर? रिवर्सिबल इन नेचर, क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल्स जैसे ये मॉलिक्यूल्स अगर आप देखें, ओके, तो यहां पे ये जो मॉलिक्यूल सरफेस के साथ रिटेन हो रहे हैं, ये जो रिटेंशन होगा माय मींस ऑफ कैसी फोर्सेस? वीक फिजिकल फोर्सेस. आइए मूव करते हैं लास्ट पैटर्न पे. लास्ट इज केमिकल एड्सॉर्प्शन और केमीज़ॉर्प्शन और लैंगमेयर एड्सॉर्प्शन. इस प्रोसेस में क्या कहोगे? इट इज अ प्रोसेस इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एड्सॉर्बेट आर हेल्ड टू द सरफेस बाय केमिकल फोर्सेस इज नोन एज केमिकल एड्सॉर्प्शन. यानी अगर एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल सरफेस के साथ केमिकल बॉन्ड बना ले गए, इस टाइप के एड्सॉर्प्शन को हम लोग कहते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड. जैसे इंक कभी कपड़ों पर गिर जाए, चौक कपड़ों पे गिरे, उसे हम लोग इस तरीके से झाड़ के अलग कर सकते हैं, लेकिन कभी इंक कपड़ों पे गिर जाए तो क्या इस तरीके से झाड़ के आप इंक को अलग कर लेंगे? नहीं, क्योंकि इंक वहां कपड़े के साथ रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बना लेता है.
The chemical adsorption leads to the formation of a surface compound. ध्यान रखिएगा, तो जब भी कभी इंक कपड़े पे आएगी तो एक टाइप का stronger interaction होगा, surface compound बनेगा, involving the forces similar to the chemical bonds. And hence, stronger bond होने की वजह से आप कह सकते हो it is a कैसा process? It's a irreversible process. चौक कपड़ों पे गिरेगी, आप उसको ऐसे उसको हल्का सा आप झाड़ के आप चौक को हटा सकते हो, रिवर्सिबल. लेकिन अगर इन कपड़ों पे गिरेगी तो आप झाड़ के अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इन कपड़ों के साथ रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा. और एक सरफेस कंपाउंड बनने की वजह से यहाँ पर एड्सॉर्प्शन जो हुआ वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एक्सटेंट का हुआ, इट्स अ इरिवर्सिबल. तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको एड्सॉर्प्शन के बेसिक्स को समझने का मौका मिला, जिसमें एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्बेट क्या होता है, एड्सॉर्बेंट क्या होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या है, और साथ में केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या है. तो इसी के साथ स्टूडेंट हेयर आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द कात्यायन अकेडमी. स्टे ट्यून्ड अस फॉर द फर्दर लेक्चर्स. हे फ्रेंड्स, इफ यू वॉन्ट टू सी सच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स फॉर क्लासेस 1 to 12, देन सब्सक्राइब एट katyanacademy.com right now.